एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो इससे हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। मतलब जब आप एक्सपेंडिचर मेथड निकालते हैं तो आपको जीडीपी एमपी मिलती है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अगर नेशनल इनकम निकालना हो तो एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है। मतलब मेरे कहने का ये है कि इस मेथड से आपके पास जीडीपी एमपी निकलती है, ठीक है, और जो इनकम मेथड होता है उससे भी हमारे पास डोमेस्टिक इनकम निकलती है एनडीपीएफसी, ठीक है, और जो फर्स्ट मेथड है उससे भी आपकी जीडीपी एमपी निकलती थी। क्यों? क्योंकि जो जीवीए एमपी होता है वो जीडीपी एमपी के बराबर ही माना जाता है, ठीक है। मैं आपको बता रही थी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आपने क्या करना है, आपने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर प्राइवेट लोगों ने जितना कोई खर्चा किया वो सारा ऐड किया जाएगा, ठीक है, पर्सनल आपका। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार भी कुछ खर्चे करती है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड करना है, चाहे उसने फ्लाईओवर ब्रिज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, जो मर्जी बनाया हो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह भी एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी नेट एक्सपोर्ट्स है तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को आपस में माइनस कर दोगे तो नेट एक्सपोर्ट है, इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना। जीडीपीएफसी निकालने के लिए आपने क्या करना है, दो चीज़ें होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। अगर ये नहीं दिया तो ये दिया होगा क्वेश्चन में, अगर आपको ये अलग अलग करके दिया है तो कैसा दिया होगा। अगर तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है बेटा तो आपने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करनी है, ये दिया होगा सेपरेटली, ठीक है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। मतलब इन दोनों को प्लस करके ये निकलता है हमारे पास जीडीपीएफसीएफ। तो यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दोनों से फ़र्क है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है, तो याद रखना। इसमें बिजनेस की जितने भी खर्चे हैं, रेजिडेंशियल खर्चे जिसने किए हैं या पब्लिक इन्वेस्टमेंट किए, शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, मॉल्स वगैरह पब्लिक के लिए जो किए हैं, ये गवर्नमेंट वाला नहीं है, गवर्नमेंट ने खर्चे अलग किए हैं, ये हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बिजनेस के, रेजिडेंशियल के या पब्लिक के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की गई है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो कभी कभी क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया होता है, करना कुछ भी उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं ना, वो क्वेश्चन में सेपरेटली दी होगी। अगर आपको कभी कभी नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी होती है तो आपको उसमें इन्वेंट्री जोड़कर और डेप्रिसिएशन जोड़ के फिर आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगी। इंपॉर्टेंट टिप दैट यू नीड टू रिमेंबर, अदरवाइज बाकी ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा।